हम सब वही युवा हैं जो आने वाले भारत के भविष्य के लिए डॉक्टर, इंजीनियर, खिलाड़ी, अफसर, नेता, अभिनेता बनकर इस राष्ट्र का निर्माण करेंगे। जरूरी नहीं कि आज का युवा भगत सिंह की तरह फांसी के फंदे पर ही चढ़े, चांद और मंगल पर भी चढ़ सकता है। और यह भी जरूरी नहीं कि देश की बेटियां रानी लक्ष्मीबाई की तरह तलवार लेकर घोड़े पर ही दौड़ें, हिमा दास की तरह मेडल लेकर ट्रैक पर भी दौड़ सकती हैं। जी हाँ श्रीमन, आज हमारे देश का लगभग 65% हिस्सा युवाओं का है। मेरे विचारों में ये युवा आपदा को अवसर में परिवर्तित करने का सामर्थ्य रखता है, यदि हमारे बड़े बुजुर्ग हंस रखता है। इतना ही नहीं बल्कि हमारे देश के अनेक युवा लोकल फॉर वोकल, मेक इन इंडिया के सिद्धांतों पर चलकर भविष्य को उज्जवल बनाने में योगदान दे रहे हैं। अग्निवीर योजना के बाद तो हमारे पास भविष्य में आर्मी से प्रशिक्षित युवाओं की फौज तैयार हो जाएगी, और जब भी देश को जरूरत पड़ेगी ये नौजवान अपना सर्वस्व बलिदान करने के लिए तत्पर रहेंगे, तब हम गर्व से कह सकेंगे धधक धधक धधकेगा अब के अग्नि का अंगारा है, क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है। भारत एक अखंड राष्ट्र है, 65% युवाओं के नेतृत्व की ताकत है, कोई हम पर आंख उठा ले किसकी भला हिमाकत है। जी हाँ श्रीमन, जिस दिन से इस देश का युवा दृढ़ संकल्पित हो जाएगा, जिस दिन से इस देश का युवा शिक्षा, चिकित्सा, ज्ञान, विज्ञान, तकनीकी ज्ञान, साहित्य आदि सभी क्षेत्रों के माध्यम से देश की उन्नति के लिए योगदान देगा, जिस दिन से इस देश का युवा आपकी 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 मेरी हम सब की आवाज को बात, बात को विचार, विचार को योजना और योजना को धरातल पर सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने का दृढ़ निश्चय कर लेगा, जिस दिन से इस देश का युवा स्वामी विवेकानंद, कलाम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्शों को दिल की गहराइयों से अपना लेगा, उसी दिन से उभर रहा होगा हम सबके सामने अखंड, अद्भुत, अद्वितीय, श्रेष्ठ, संपन्न, मजबूत, विकसित, सतत भारत का भविष्य।